नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं शेफ आसिफ सोहरवर्दी। आज हम आलू गोश्त का सामान बनाएंगे। उसके लिए जो अज्जा दरकार है उसमें शामिल है गोश्त 750 ग्राम यानी 3 पाव, काली मिर्च साबित 6 से 7 अदद, हरी इलायची 2 अदद साबित, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, प्याज तली हुई 1/4 कप, कुकिंग ऑयल 1/2 कप, तेज़पात के पत्ते 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 2 चाय के चम्मच या हसब ज़रूरत, नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, टमाटर 2 से 3 मीडियम चॉप हुए हुए, पानी हसब ज़रूरत, आलू 2 से 3 अदद छिले हुए और 1/2 कटे हुए, हरी मिर्चें हसब ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। आलू गोश्त का सालन बनाने की तरकीब। 1 ग्राइंडर में काली मिर्च साबित, हरी इलायची, ज़ीरा, काला ज़ीरा और फ्राई हुई प्याज को शामिल कर ग्राइंड कर लें और एक साइड पर रख दें। उसके बाद एक पतीला लेकर उसके अंदर तेल डाल दें, तेल को गर्म होने तक पकाएं और फिर उसके अंदर गोश्त शामिल करें। गोश्त को 5 से 10 मिनट तक फ्राई करें और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। 5 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर डालकर फ्राई करें। फ्राई होने के बाद उसमें चॉप हुए हुए टमाटर डालकर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएं। 8 से 10 मिनट पक जाने के बाद आप उसमें पानी शामिल करें और लो फ्लेम पर 30 से 40 मिनट तक पकाएं। जब पानी ड्राई हो जाए तो उसमें आलू, पिसी हुई स्पाइसेस यानी पिसा हुआ मसाला, हरी मिर्च डालकर पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब आप इसको कवर करके जब तक पकाएं तब तक आलू ना गल जाए। आखिर में ऊपर से गरम मसाला छिड़क कर सर्व करें और गार्निशिंग के लिए हरे धनिए का इस्तेमाल करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।